हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MU Teachings में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर परसेंटेज। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज से कुछ साइन है कि नहीं, उसका कुछ सिंबल है, ये तो आपको पता ही होगा। उसका सिंबल परसेंटेज ये है, ये उसका सिंबल है। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100 या पर 100। द वर्ड परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100, ठीक है। इसका मतलब है पर आउट ऑफ पर 100 कह सकते हैं, इसे पर 100 भी कह सकते हैं, नहीं तो आउट ऑफ 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 2%, तो मैंने परसेंटेज का मतलब क्या समझाया था, आउट ऑफ 100 भी हो सकता है, पर 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 2 का 2 लिख दीजिएगा, और ये जो परसेंटेज साइन है इसका मतलब क्या है, पर 100 भी हो सकता है, आउट ऑफ 100 हो सकता है। मैं तो आउट ऑफ 100 ही कहता हूं, 2 out of 100 हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शन में करते हैं। यहां पे जो ये 2 है, ये 2 का 2 लिख दीजिएगा, और ये जो आउट ऑफ जो हम लोग का यहाँ है, 2 का तो 2 है और 100 का हमने परसेंट का निकाल लिया। ये जो आउट ऑफ है इसका मतलब है डिवाइडेड बाय, ओके, 2 बाय और ये 100 का 100, सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। 35%, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम करेंगे 35 आउट ऑफ 100 ऑफ 100, ओके। तो चलिए इसे भी इसी की तरह करना है। ये जो 35 जो है, इसे आप 35 का 35 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर जो ये 100 है, इसको आप 100 का 100 लिख दीजिएगा यहाँ पे। ये हो गया सॉल्व। और यहाँ पे परसेंटेज साइन नहीं देना है, यहाँ अगर आप परसेंट साइन देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंट का तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ना आउट ऑफ 100 लिख के, तो यहाँ पे फिर क्यों देना है, यहाँ नहीं देना है परसेंट, अगर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूंगा 20%, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। 20 का 20 और ये परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ओके। ये तो हमने परसेंट का सॉल्व कर लिया, पर यहाँ पे क्या करना है, इनटू फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करेंगे उसको भी। 20 का 20 लिख दीजिएगा और 100 का 100 लिखिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 0 कट, 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ क्या है, 1/5, तो ये हम लोग का हो गया फ्रैक्शन में। हमने पहले परसेंटेज से क्या किया, परसेंट का तो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया ना, सिंप्लीफाई करके किया, ठीक। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 30%, तो इसे हमको क्या करना है, परसेंट, ये परसेंटेज फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। चलिए करते हैं। 30 out of 100, ओके। फिर करना है 30 by 100, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। फिर 0 0 कट, ये थोड़े कट हो पाएगा, 3 10 कट होगा क्या, डिवाइड होता है नहीं ना, तो ये हो जाएगा 3/10, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो अभी हम, तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो चलिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूंगा 3/25, इसको हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3 × 25 × 100, तो दोस्तों 25 के टेबल में 100 कितने में आता है, 25 4 जा 100, ठीक है, 3 4 जा 12 25 4 जा 100, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 12%। इस फॉर्मूला में तो ये परसेंटेज निकल गया, दूसरा फॉर्मूला में भी करके देखते हैं। चलिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये पूरा जो मैंने किया ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला करते हैं। चलिए 3/25, मतलब वही क्वेश्चन का करेंगे, 3/25 × 100, ब्रैकेट परसेंटेज देना है,
इज इक्वल टू 25 के टेबल में, मतलब इसे काटना है आपको, ठीक है, 25 वन जाए 25, 25 फोर जाए 100, तो 3 फोर जाए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12, तो ये 12 क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, 12%, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन को जब भी आप परसेंट में कन्वर्ट करिए एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मतलब 100 आना चाहिए, उसका डेनोमिनेटर में हमेशा 100 आना चाहिए, उससे कम कि उससे ज्यादा आया तो वो परसेंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए कुछ दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। वन बाय थ्री दूसरा एग्जांपल इज इक्वल टू, इसको भी हम उसी दो फॉर्मूले में करेंगे, पहला फॉर्मूला जिसे मैंने बताया था और ये दूसरा फॉर्मूला में करेंगे। चलिए 1 × 3 × एक मिनट, 3 के टेबल में कभी 100 आता है क्या? नहीं आता है, तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, दूसरे वाले में करते हैं। चलिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 × 100 करेंगे, यहाँ परसेंटेज का साइन होगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 100 वन जा कितना होगा 100 हो जाएगा 100, और 3 तो कटा नहीं तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है, 100/3%। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, 103 जो है इसको हमें डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना होगा 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। ये कैसे हो गया, डिवाइड करके हुआ, तो चलिए डिवाइड करके बता देता हूं, 3 और यहां 100 ले लीजिए, 3 × 3 = 9, फिर यहां पे कितना बचा 10 आया, 3 × 3 = 9, यहां पे 1 आएगा, तो ये क्या हुआ 33 होल 1/3, तो ऐसे आया था 33 होल 1/3। तो चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं कि मतलब परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल 35%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 35/100, डेसिमल में कितना होगा 0.35, 1/10 100 आया तो वहां पे आपको पॉइंट देना होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 9%, ये भी वैसे ही होगा 9/100 इज इक्वल टू 0.09, 1/10 100। तीसरा देख लेते हैं 145%, 145/100 इज इक्वल टू 145, तो यहाँ पे पॉइंट क्या लगेगा 1/10 100, यहाँ पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं कि डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.35 ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम परसेंट फॉर्म में करेंगे, तो 35 का 35 होगा और यहाँ पे नीचे में कितना होगा 1/10 क्या आ रहा है 100, 1/10 100, तो 100 होगा। एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ 100 में कितना है, मतलब करने से 100 ही रहेगा, 1 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1, ऊपर में भी मल्टीप्लाई 1 ही होगा, इज इक्वल टू 35/100 इज इक्वल टू 35%। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 0.2 इज इक्वल टू कितना होगा 1/10 आ रहा है, ठीक है, 2/10 हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग को 100 चाहिए, तो कितना मल्टीप्लाई करने से 100 होगा, डेनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, 2/10 × 10, ऊपर में भी मल्टीप्लाई 10 होगा, ओके, 2/10 से कितना हुआ 20 और 10/10 100, तो यहां का इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा 20% होगा। तो चलिए हम तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, 0.25, तो यहां क्या होगा 25, यहां क्या है 1/10 100 आ रहा है, तो यहां भी 100 होगा 100,
तो 100 में कितना करने से 100 रहेगा, 1 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना, 25 100 100 ये हो जाएगा हम लोग का 25%। तो चलिए हम दूसरा समझते हैं, अभी हम समझने वाले हैं कन्वर्ट परसेंट इनटू रेशियो। तो चलिए समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 50%, 50%, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए 50/100, ओके इसको काटना पड़ेगा, ओके 0 0 कट, 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर निकल गया 1/2। नहीं नहीं 1/2 नहीं होगा, हमें यहाँ फ्रैक्शन थोड़ी करना है, रेशियो पे कन्वर्ट करना है, रेशियो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1:2:2, रेशियो का सिंबल ऐसा है, फॉर एग्जांपल P:Q, ये जो सिंबल है ये रेशियो का है, ओके तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.5%, ओके इज इक्वल टू 5/100, तो यहां पे हमें इसको काटना है, सिंप्लीफाई करना है, ओके 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, तो ये क्या हो गया 1/20। इसको हमें क्या करना है अभी, कन्वर्ट रेशियो में करना है, तो क्या होगा 1:20। तो चलिए तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं 10%, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए 10/100, इसको काटना होगा 10 1 10, 10 10 100 इज इक्वल टू 1/10, रेशियो में कितना होगा 1:10, 1:10। अभी तो रेशियो आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए हम दूसरा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम कन्वर्ट करने वाले हैं रेशियो को परसेंटेज में, तो चलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा 1:5, 1:5 इज इक्वल टू कितना होगा 1/5, रेशियो में है तो फ्रैक्शन में करना है 1/5, 5 के टेबल में कितना मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा 20, 25 से कितना है 100 होता है, तो मल्टीप्लाई 20, ऊपर में भी कितना करेंगे 20, ओके 21 से कितना होगा 20 होगा, और 25 से कितना 100, तो इसको क्या करना है हमें परसेंटेज में करना है, तो कितना होगा 20% हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3:5, ये कैसे होगा 3/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में 3/5, ओके फिर इसको कितना मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 100 आएगा, इसमें भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके मल्टीप्लाई 20, ऊपर में भी 20 होगा, 23 जा कितना 23 जा होगा 60, 25 जा कितना 100, तो ये हम लोग का परसेंट कितना होगा 60% होगा, ओके। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखे, आज की वीडियो में ये सीख गए कि परसेंटेज के बारे में भी हम जान गए, परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो सब भी हम सीख गए हैं। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ उस सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।